राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कोटा राजनीति के दो वरिष्ठ नेता मैदान में उतरे हैं। अपनी अपनी जीत के लिए नेताओं ने तैयारी भी शुरू कर दी। एक तरफ कोटा उत्तर के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजन मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी एमएलए के पद के लिए तैयार खड़े हैं। आज हम कोटा उत्तर के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजन जी से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके चुनाव को लेकर क्या तैयारी है और जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर उनका क्या कहना है। आप भी सुनिए। कानून की पालना कराने की जिम्मेदारी जिसके पास है वो अपराध करेगी तो कौन रोकेगा भाई? आप दो एक महीने इंतजार करिए, कितने लोग चंबल रिवर फ्रंट में जेल जाते हैं। ये रिवर फ्रंट को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दे, नजरिया ही नहीं है बेसिक जरूरत पर, समाज की पे काम करने का यहाँ के जनप्रतिनिधियों का। बहन बेटी की इज्जत लूटने में नंबर एक इसलिए है कि ये तो कला मर्दों का प्रदेश है शुरू से। जनता के बीच आप जाएंगे, क्या मुद्दे आप सबसे ज्यादा जनता के बीच में देख रहे हैं? मुद्दे साफ हैं। पिछले चुनाव में झूठ की बुनियाद पर शांति धारीवाल जी ने चुनाव जीता। मैं आऊंगा, 10 दिन में केडीएल हटा दूंगा, ये सारी स्मार्ट मीटर तोड़ दो। मेरे आते ही पहले कुछ लोगों ने उत्साह में तोड़ दिया, जेलों में जाना पड़ा। अब वो केडीएल कितने करोड़ रुपए बिलों के अलावा वीसीआर से इस कोटा की जनता की जेबों से काट चुकी है जी। अब इधर उधर बहाने लेते हैं, उनके साथ इतना एग्रीमेंट था। दो बार मिनिस्टर रहा हुआ व्यक्ति, सांसद रहा हुआ व्यक्ति क्या इस तरीके की बयानबाजी वोटों के लिए कर देता है? बिना जानकारी हासिल किए, बिना गहराई में गए हुए कि 10 दिन में केडीएल हटा दूंगा, और इसलिए ये एकमात्र मुद्दा ही उनके चुनाव के परिणाम के लिए काफी है। लोग हिसाब किताब मांगने के लिए तैयार बैठे हैं। सर, आपने ये रिवर फंड का भी जमकर विरोध किया है। कोई आदमी अगर अपराध करे तो कानून उसको रोकता है जी। लेकिन जो कानून के रखवाले हैं, सरकार है, कानून की पालना कराने की जिम्मेदारी जिसके पास है वो अपराध करेगी तो कौन रोकेगा भाई जी। सुप्रीम कोर्ट के का और राजस्थान हाई कोर्ट की डबल बेंच का स्पष्ट फैसला है, वेटलैंड की 1947 की स्थिति को सीईसी की परमिशन के बगैर नहीं बदल सकते। 10 किलोमीटर तक जहां पर इको सेंसिटिव जोन घोषित नहीं है, बफर जोन माना जाएगा, और उसमें बिना एनवायरनमेंट की, वाइल्ड लाइफ की, इनकी परमिशन के कोई पक्की सड़क भी नहीं बना सकते। आपने 1500 करोड़ रुपए झोंक दिए वायलेशन करके। तमाशा है क्या कि आप राज में है तो रावण थोड़ी है कि मेरी मर्जी का कानून चलेगा? राज को भी संविधान के दायरे में कानून सम्मत तरीके से चलना पड़ता है, और आपने तो कह दिया नहीं कुछ नहीं, मैंने जो कर दिया फाइनल है, तो भुगतिए। अभी गोमती वो रिवर फ्रंट पर जेल गए ना, 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ सीबीआई में जी। आप दो एक महीने इंतजार करिए, कितने लोग चंबल रिवर फ्रंट में जेल जाते हैं जी। और कौन बच पाता है? जिस जिसके पथरावली पर दक्षत होंगे ना, ये रिवर फ्रंट को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। 150% अबों में काम, 100, 200, 300 करोड़ के काम नॉन बीएसआर में, कि जिनकी कोई रेट निर्धारित नहीं की जा सकती जी। सरकार है तमाशा है क्या? आप इतना वायलेशन करो, सरेआम लूट मचा दो, बस कुछ भी हो, चंबल नदी में पानी में पैसा डाल दो, कौन देखने वाला है? और जितना खा सकते हो खा लो, कोटा की जनता देख रही है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को विकास मंत्री के नाम से दुनिया जानती है। कौन सा विकास मंत्री? इस शांति धारीवाल ने कोटा के साथ इतना बड़ा अन्याय कर दिया, 50 साल जहां शहर नहीं जाएगा, 1-1 इंच जमीन को बेच दी जी। लैंड बैंक डेवलपमेंट का आधार है भाई, नगर निगम और यूआईटी का, उसको सुरक्षित करके रखते हैं, उसको डेवलप करते हैं, डेवलप करके उसकी कीमतें बढ़ाते हैं और उस पैसे से डेवलपमेंट करते हैं जी। मेरे पास उम्र भी नहीं है, राज कब चला जाए, मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा? राज जाने के डर से, खुद की उम्र कम है इस डर से, और बेटे के भविष्य के डर से इस शहर के 50 साल के भविष्य को खूंटी पे टांग दिया आपने, जहां 50 साल शहर नहीं जा सकता, 1-1 इंच जमीन बेच दी। सर, आपके पास लैंड बैंक बचा नहीं है, आप डेवलपमेंट कैसे करोगे? 4 दिन बाद जाके पूछना यूआईटी में तनख्वाह चुकाने के पैसे नहीं। 50% ठेकेदारों ने यूआईटी में अपना काम करना बंद कर दिया कि जो किया उसका बिल नहीं चुकाया जा रहा है, ताकि आप हमेशा ही धूल झोंकोगे शहर में, बस मेरी चकाचौंध दिखती रहे और मेरा भय सत्ता का बना रहे और मैं चौराहे सजाकर अपने आप को विकास पुरुष कहलाता रहूं। अरे आपने सत्यानाश कर दिया शहर का। राजीव गांधी नगर में
10,000 रुपये स्क्वायर फीट में आपने जमीनें बेच दी। आपका पहला काम था कि उनको चंबल का पानी पिलाते। प्रहलाद गुंजल ने 200 कॉलोनियों को, आप 10 साल मंत्री रह गए थे, पानी नहीं था, मैंने एक के कॉलोनी को पानी पिलाया है। आज भी कोटा की जनता से पानी से त्रस्त ही है। तो त्रस्त रीजन क्या मानते हैं आप? नजरिया ही नहीं है बेसिक जरूरत पर, समाज की पे काम करने का यहाँ के जनप्रतिनिधियों का। इन्हें तो चमक दमक दिखानी है, उसमें से पैसा खाना है, कमाना है, कमीशन खोरी लूट का काम है। जनता जाए भाड़ में, क्या लेना देना जनता से। सर, कोटा के स्टूडेंट काफी ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तकलीफ है, चिंता का विषय तो है ही सबके लिए। अब कोचिंग यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार बन गया, तो वो भी संचालित रहे और आत्महत्याएं भी ना हो, इसका कैसे क्या रास्ता निकाला जा सकता है? सरकार को इस पर गंभीरता से प्रयास, क्या मैकेनिज्म तैयार किया जा सकता है, प्रयास करने चाहिए। क्या लगता है आपका क्या मानना है, किस तरीके से सुसाइड कम हो सकते हैं शहर में, कोटा की जो? मुझे लगता है पढ़ाई का प्रेशर कम करना चाहिए जी। ये जो साप्ताहिक टेस्ट और रोज रोज के टेस्ट, और उन टेस्टों में बच्चा पिछड़ जाता है तो उसको लगता है, कई बार हम देखते नहीं कि 10वीं में बच्चा फेल हो गया था, 12वीं में हो गया था, कलेक्टर बन गया जी। ऐसे उदाहरण पढ़ने को नहीं मिलते जी। बचपन में बहुत मस्ती करता था, पढ़ता नहीं था, बाद में पता चला कि IPS बन गया जी। रोज आप प्रेशर बनाओगे ना, रोज का प्रेशर खत्म होना चाहिए। इस पर कोई ना कोई मैकेनिज्म कोचिंग वाले तैयार करें, उनको भी देखना चाहिए, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या रहेगा आपका कदम? देखेंगे, सारे लोगों से बैठेंगे, इनको भी बैठाएंगे, और इसका क्या सिस्टम बन सकता है उस पर प्रयास करेंगे गंभीरता से। ऐसे नहीं छोड़ सकते। माँ बाप यहाँ रोते हैं ना, मोचड़ी के बाहर खड़े होके, किसी का जवान बच्चा जाता है जी। तो बड़ी पीड़ा होती है भाई जी। ऐसा नहीं होता है, जिन लोगों ने इस दुख को अनुभव किया है वो ज़्यादा समझ सकते हैं जी। किसी का जवान बच्चा जाना साधारण बात नहीं है, परिवार का एक लंबा सपना टूटा। धारीवाल का एक विवादित बयान आया था कि एक लड़की ने सुसाइड किया था, उसका प्रेम प्रसंग का मामला बताया। वो उनका आदत का हिस्सा है, वो शुरू से उनका करैक्टर ऐसा है जी। महिलाओं पर टिप्पणी करने का, वो विधानसभा में महिला अपराधों पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि प्रदेश बहन बेटी की इज्जत लूटने में नंबर एक इसलिए है कि ये तो साला मर्दों का प्रदेश है शुरू से। वो वीरांगनाएं अपना हक मांगती है तो उनके लिए कहते हैं ये तो नाते भाग जाती हैं, जिनके पतियों ने जो है इस मुल्क की रक्षा के लिए शहादत दे दी है सीमा पर जी। उन वीरांगनाओं के चरित्र पर वो इस तरीके की उंगली उठाते हैं। और तो एक मासूम बच्ची 16 साल की जी। मैं समझता हूँ चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और इस शहर में अगर जरा सी भी नैतिकता जिंदा है तो उस मासूम के आज ही आ रहा ना, लगातार पुलिस ने मना कर दिया कि हमको तो कोई ऐसा सुसाइड नोट मिला ही नहीं है जिसमें कोई प्रेम प्रसंग का मामला हो जी। बिल्कुल। उसके बाद एक 16 साल की मासूम बच्ची के दामन पर मुख्यमंत्री और 7 मंत्रियों की उपस्थिति में एक मंत्री दाग लगा दे, मैं समझता हूँ नाकाबिले माफी। और ये निर्णय तो शहर को करना है, जनता को। पहली मुट्ठी भर बालू रेत फेंक दी मैंने, 100-200-400 करोड़ कमीशन में खा लिए, और आपको चकमा देने के लिए चौरा सजा दिए हैं। अरे रोड कांग्रेस पड़ी है मंत्री जी, महानगरों की कल्चर है सड़कें बड़ी और चौराहे छोटे। शहर की किसी ट्रैफिक व्यस्तम सड़क के चौराहे वाली कॉर्नर बिल्डिंग पे होर्डिंग नहीं लगा सकते, रोड कांग्रेस मना करती है। आप अपना प्रचार करने के लिए चौराहे चौराहे पे LED लगा के बैठे हुए हैं, आचार संहिता लगे तब तक तो LED में मेरा प्रचार करते रहो। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की नौटंकी से और सरकारी पैसे पर प्रचार प्रसार से तुम सपने पूरे नहीं कर सकते। महिला अत्याचार के बारे में आप क्या कहेंगे, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं लगातार? इनका इनमें संवेदना ही नहीं है। महिलाओं के बारे में इनका नजरिया ठीक हो तब ना, इनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी तो कुछ ऐसा ही कहते हैं लोग बाग। मैं तो उस पर क्या टिप्पणी करूँ, मेरे तो पिता की उम्र का आदमी है। लेकिन उम्र और समझ दोनों का रिश्ता ठीक हो ये जरूरी नहीं है ना। जी सर। इस उम्र में भी वो कहते हैं जला है तो क्या अंदाज में, विधानसभा में तो मर्दों का प्रदेश है। तो मैंने कहा आज थोड़ी कह रहा हूँ, मैंने सार्वजनिक रूप से कहा राजस्थान की विधानसभा मौन रह गई, मुझे बहुत तकलीफ हुई, इस्तीफा लेना चाहिए था, विधानसभा में दम दिखाना चाहिए था, सदन मौन रह गया तो लोकतंत्र की आत्मा में सुषुप्ता आ गई। तब मैंने सड़क पर खड़े होकर कहा कि भाई ये क्या तमाशा है, बहन बेटियों की इज्जत का भद्दा मजाक विधानसभा में बना रहे हो, वहाँ जब जहाँ सबके आत्मसम्मान की और इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा की सुरक्षा की गारंटी दी जाती है, वहाँ गृहमंत्री के नाते बयान देते हुए भद्दा मजाक कर रहे हो। यानी आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया तो फिर वीरांगनाएं
मतलब ये बहन बेटियां जो है झांसी की रानी बनकर अपने आत्मसम्मान की रक्षा करेगी। चंडी मार्च निकाला हमने, हजारों माता बहनें केसरिया भाना पहनकर हाथों में तलवारें लेकर आई इस नपुंसक सरकार को ये संदेश देने के लिए कि हम ने आपको चुनकर गलती कर ली, अगर आप ने हमारे आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकते हम करेंगे खुद। आपकी क्या तैयारी है सर चुनाव को लेकर? जीतूंगा मैं, सारा झूठ सामने आ गया है और पिछली बार भी ये झूठ बोलकर अगर लोगों को गुमराह नहीं करते। केडीएल बात सच है, केडीएल हमारे राज में आई थी, लेकिन केडीएल लाने का निर्णय कब हुआ था? लोगों के पास सोच की गहराई नहीं है, उसका फायदा आप उठा लेते हो। 2012 में मनमोहन जी की यूपीए गवर्नमेंट ने तय कर दिया पूरे हिंदुस्तान के जो राज्य जिनकी वितरण कंपनियां घाटे में जा रही है वो इस घाटे को उबारने के लिए स्मार्ट मीटरिंग पर जाए, चाहे इसको निजीकरण के रास्ते पर जाना पड़े। जो नहीं जाएंगे, जो कंप्लाइंस 15-16 से शुरू नहीं करेंगे उनकी सेंटर की इलेक्ट्रिसिटी ग्रांट बंद कर देंगे। ये तो यूपीए गवर्नमेंट का निर्णय है, उसकी कंप्लायंस वसुंधरा जी के टाइम पे आकर हुई है, ये कंप्लायंस किए उन्होंने तो वो लाए थोड़े हैं। सेंटर की ग्रांट पूरे हिंदुस्तान के तमाम राज्यों को इसकी कंप्लायंस करनी पड़ी, काला मुंह हमारा हो गया। अब काला मुंह इनका हो रहा है कि इतना सब कुछ जानते हुए भी झूठ बोल रहे हो, राजनीति में इतनी झूठ नहीं चलती। इसी तरह से क्या अशोक गहलोत रिवर फ्रंट के उद्घाटन में नहीं आ पाए? मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री ने अपना दायित्व निभाया है, मैंने उनसे कहा कि आप संविधान के प्रति निष्ठा और विधि के पालन की शपथ लिए, ये तो सारा काम विधि विरुद्ध है। आपराधिक इस्तगासा अभी 2-4 दिन में दर्ज हो जाएगा तो इसमें जेल जाएंगे ये लोग, वो तो इंक्वायरी में तो जाएंगे ही। जो भ्रष्टाचार हुआ है सीबीआई पहुंच गई ना वहाँ गोमती रिवर फ्रंट पे, चंबल में भी आने वाली है सीबीआई, देखते हैं कौन अफसर बसता है, सब जेल जाने वाले हैं। और अभी तो 2-4 दिन में मैं बड़ा खुलासा कर रहा हूँ, वायलेशन देवनारायण योजना में भी बहुत भारी हुआ है। सर इतने महंगे टिकट रखे गए हैं आम जनता के लिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऑक्सीजन पार्क का 100 रुपये टिकट है, कोटा की जनता हमारा राज आने के बाद में अगर इसको एनजीटी हाईकोर्ट या तो इसको बंद ही कर देती है, बंद नहीं करेगी तो टिकट बंद, पूरी जनता फ्री जाएगी, प्रहलाद गुंजल ने कह दिया है। ये चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, दोनों ही मैदान में है। पूर्व एमएलए प्रहलाद गुंजल को पूरी उम्मीद है कि जीत उनकी ही होगी। चुनाव में एमएलए कौन बनेगा, किसकी जीत होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देखते रहिए मेरे साथ जननायक।